बेहयाई तुमने इस तरीके से आम कर रखी है जिसे हम जिंस परस्ती और होमोसेक्सुअलिटी से जानते हैं। और इनके आज के एतबार से भी आप देखें, आप तहकीक करते हैं, आपको दुनिया के हालात अच्छी तरह से मालूम है, इनके खास इस्तेलाहात हैं, इनके आपस की पहचान के लिए खास इस्तेलाहात हैं, जिनका शॉर्ट फॉर्म LGBT है और इनमें से हर एक लेटर का अपना एक फुल फॉर्म है, हर एक लेटर का अपना एक खुद फुल फॉर्म है और इस हिसाब से इन्होंने अपने लिए एक पहचान और रंग भी खास बनाए। और यहाँ एक अफसोसनाक सूरत हाल आपको बता दूं, दिल दहला देने वाली चीजें, कि इनके जो रंग हैं, इनका एक अपना एक खास ब्लैक बनाया हुआ है, उसमें उन्होंने खास अपने रंग बनाए हैं जिसको दुनिया को धोखा देते हैं, और हर रंग का एक माना और मतलब भी इनके पास है, और धोखा ये दिया जाता है कि रेनबो कलर, ये रेनबो कलर है, जबकि ये इनकी अपनी घटिया सोच और ये बेहयाई को प्रमोट करने वाली चीज है। और अफसोसनाक सूरत हाल जो मैं कह रहा था वो ये कि आज हमारे घरों तक ये चीजें आ चुकी है। कैसे आप देखें, अभी करीब में 2-3 वीडियो ऐसे वायरल हुए हैं, शायद आपकी नजरों से वो गुजरी हो, कि एक आलिम दीन मदीना मुनव्वरा के शेख उस्मान अल-खुमैस, बहुत ही बड़े आलिम हैं, उन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया, आज बच्चों को खिलौनों के नाम पर जो बाजार में मार्केट में पॉकेट के नाम से जो चीज बिक रही है, अगर वो सादे रंग की हो कोई बात नहीं, मुख्तलिफ रंगों से जो घिरी हुई चीज है, आप जानते हैं कई रंग उसमें है, और उसमें हम जानते हैं कि ये रेनबो कलर है, लेकिन हकीकत में आपको मालूम होना चाहिए कि ये इनका प्रमोट करने का तरीका है, ये हमारे घरों तक इन चीजों को गैर शोहरी तौर पर, आप शायद एक और दुनिया भी जानते हैं इल्यूमिनाटी, इनकी इनके जो तरीके हैं, इनकी जो प्लानिंग है, इनके जो मंसूबे हैं, इन्होंने कार्टून्स के जरिए से या बहुत सारे मैगजीन्स के जरिए से, बहुत सारे अखबार के जरिए से, और यहाँ तक कि टी शर्ट्स और लोगों के पहने हुए कपड़ों के ऊपर भी इनके अपने खास कुछ सिंबल्स और खास जो है मैसेजेस होते हैं, जो गैर शुरूरी तौर पर इंसान के जहन में नक्श हो जाते हैं, और फिर बाद में ये चीज कॉमन होने लगती है। और आपको मालूम होना चाहिए कि जब बुराई किसी भी माशरे में आम होती है, छोटी सी मिसाल आपको दूं, इब्तिदाअन सब उससे नफरत करते हैं, या फिर ये भी मुमकिन है कि सब उसको जानते नहीं है, लेकिन जब वो बहुत ज्यादा हमारी नजरों के सामने से गुजरे, हमारे मामलात में आने लग जाए, तो ये चीज बहुत ज्यादा आम हो जाती है, फिर उसके बाद इंसान अच्छे और बुरे की तमीज भूल जाता है। एक दौर था टेलीविजन और टीवी को लोग बुरा मानते थे, घर के बच्चे अगर बाहर पड़ोस के पास आस पड़ोस में जाकर के देख के आते तो उनको जरूर मार खानी पड़ती, डांट खानी पड़ती, इसलिए कि ये बुराई सब जानते थे। अब इस तरह आम हो चुकी है कि हर घर की रौनक, और बल्कि एक एक घर में कभी 2-4 हो जाते हैं, अब ये बुराई बुराई नजर नहीं आ रही। इस तरीके से शराब पीना, सिगरेट नोशी, ये जुआ, ये तमाम चीजें आजकल जिस तरीके से आम होती नजर आ रही है, लोग देख करके भी उससे कोई परेशान नहीं होते हैं, ना ही उनको कोई हया है, खुले तौर पर इन चीजों को करने में लोग जो है अपने लिए फख्र समझ रहे हैं। एक दौर में ये चीज छुप छुप करके की जाने वाली चीजें थी। ये इस तरीके से मैं बताना चाहता हूँ, इल्यूमिनाटीज ये जो दुनिया है उनके भी अपने खास मंसूबे और प्लानिंग है, उन्होंने भी बहुत सारी चीजें ऐसे ही दज्जाली कितने लोगों के अंदर आम कर चुके हैं, आज खुद हमारे बच्चों के, बताइए कि कब्र कुछ दिनों पहले ही हम ये जानते हैं कि जो गेम्स मोबाइल फोन वगैरह में